पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग इन कार्डियोलॉजी एट फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। और जब मेरा रिजल्ट आया था तो रिटर्न के बाद फिर मैंने उसके कुछ अरसे बाद ही इसको फॉरगो कर दिया था। लोग मेरे से बहुत पूछते हैं कि सर आपने कार्डियोलॉजी आप कर रहे थे तो आप लोगों ने इसको क्यों छोड़ दिया। तो हर बंदे का अपना व्यू होता है चीज़ों के बारे में। मेरे ही सिविल सर्विस ज्वाइन करने की रीजंस कुछ और थे, तो इस वजह से मुझे लगा कि शायद आई एम बेटर फिट एट सिविल सर्विस देन बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट। तो इसलिए मैं अपने आप को सूडो डॉक्टर भी कहता हूँ कि चलो एक आधी कुछ तमन्ना उधर रहेगी, कुछ इधर पूरी हो जाएगी। चलेंगे शुरू करें, फिर लोग फिर ज्वाइन करते जाएंगे साथ साथ जिन्होंने आना है। जी सर, एग्जैक्टली जैसे आप चाहे। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिरहीम। मेरा नाम डॉक्टर आमिर इजाज है। आई एम फ्रॉम 49th कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और आज ओरिएंटेशन थोड़ी सी मैं दूंगा अबाउट क्रैश कोर्स इंट्रोडक्शन लेसंस। जो सीक्वेंस होगा इस ओरिएंटेशन का जो हम आज बातें करेंगे उसमें, तो एक तो डीजी सिविल सर्विस एकेडमी सर उमर रसूल का एक मैसेज है, लेकिन मैंने फिर बाद में उस पर सोचा कि इसको हम एंड पे शेयर कर लेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन सीएसएस के बारे में मुझसे लोग जानते भी हैं, मैं थोड़ी सी बातें रिपीट भी करता हूँ, ऑब्वियसली रिपीट ज़्यादा हो जाएंगी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एज ए सब्जेक्ट, आप इसको ऑप्ट करें सीएसएस में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर के हम एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो पिछले 3-4 साल से किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो आ रहे हैं पेपर के अंदर, और कुछ बज वर्ड्स हैं जिसके पीछे एस्पायरेंट्स या जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके पीछे लग जाते हैं, और कुछ मेंटोर्स भी उनको बार बार रिपीट करते हैं तो वो थोड़ा सा बच्चों के लिए एक डिफ़िकल्टी भी क्रिएट करते हैं, और उसको बाद में थोड़ा सा लोग फिर इंटरनेशनल रिलेशन से थोड़ा सा वो दूर हो जाते हैं कि शायद ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है सब्जेक्ट, तो उससे भाग जाते हैं लोग। फिर उसके बाद हम क्रैश कोर्स जो हम करेंगे उसका मॉड्यूल क्या होगा, हम कैसे उसको लेके चलेंगे, और एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे जिसमें आपकी जो भी क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह होपफुली उसको हम एड्रेस कर देंगे। ये सर का मैसेज हम एंड पे सुनेंगे क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ तल्ख हकीकतें भी हैं, तो मेरा ख्याल है इसको एंड पे अगर हम सुन लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एज यू ऑल नो के सी एस एस के 12 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें 6 कंपल्सरी होते हैं और 6 ऑप्शनल होते हैं। हर ग्रुप और सी एस एस के फिर 12 ग्रुप्स हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि कुछ ऑब्वियसली लोग एस्पायर करते हैं कि हम टॉप ग्रुप्स में जाएं और नीचे वाले ग्रुप्स का क्या होता है इशू, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लोग उनको अपने एक माइंड सेट से उस पिक्चर को देखते हैं कि हमने किस ग्रुप में जाना है, क्यों जाना है, और वो लाइफ से या अपनी पर्सनैलिटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। कुछ आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ आपकी फैमिली की होती हैं, सोसाइटी की आपकी होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग एस्पायर करना चाहते हैं कि हम इस ग्रुप में जाएं और इसमें ना जाएं, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ज़्यादा ऑप्टेड सब्जेक्ट है, और इसको फिर हम आगे आगे देखते जाएंगे कि ये क्यों है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, इसमें 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 लोग कहते हैं कि ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, इसमें आपने जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं आईआर के वो यूज़ करने हैं, और पेपर 2 कहा जाता है कि वो ज़्यादातर करंट अफेयर से आता है और आप वो उसको कर ले रहे हैं। तो इसके बारे में मेरी एक डिफरेंट ओपिनियन है, मेरे ख्याल में पेपर दोनों आपकी कोर जो आईआर की कॉन्सेप्ट्स होते हैं उन्हीं को ही जज कर रहे होते हैं, लेकिन पेपर 2 में कैंडिडेट्स अक्सर मार खा जाते हैं कि उनको लगता है कि जब वो पेपर देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो डे टू डे दुनिया के अंदर मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर है, तो वो उसको उस लेंस से देखे
तो वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर मार्क्स नहीं आते, और फिर कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है पिछले कुछ अरसे से। और तो मेरे ख्याल में ये ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल अभी 2023 में पेपर आया, जो अभी मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, पेपर टू के अंदर क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज से अफेक्टेड कंट्री है, जस्ट सजेस्ट पॉलिसी मेजर्स टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। अब आईआर के अंदर इस क्वेश्चन के आते साथ ही जब लोग देखते हैं तो वो फटाफट उस पर चले जाते हैं कि जी ये तो क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं, आप डैम्स बनाओ, आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओ, तो इस तरह के पॉलिसी मेजर्स वो सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि आईआर के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपसे इस टॉपिक को देख के आपसे जज करना चाह रहा है कि आप इसको इंटरनेशनल रिलेशन के स्कोप में कैसे एनालाइज करेंगे, वो कौन से ऐसे मिटिगेटिंग मेजर्स हैं जो पाकिस्तान ले सकता है टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। और वो ये डैम्स बनाना, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना, और आप ये जो बाकी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाएं आप, या आप कैनाल्स को लाइन करें, आप स्प्रिंकलर सिस्टम लगाएं, तो उस वो नहीं है, इसका आंसर नहीं होता। और इस दफा काफी लोगों ने इसको मिस रीड किया क्वेश्चन को, और फिर उसी तरह से किया, और फिर वो उसके बाद मार्क्स भी कम आएंगे। हालांकि एस्पायरेंट सोच रहे थे कि हमने बड़ा अच्छा अटेम्प्ट कर दिया है, 6-7 सफ़े लिख रही है तो हमारे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन वो एक बड़ी कार्डिनल मिस्टेक कर चुके होते हैं पेपर अटेम्प्ट करते हुए, जो उनको मार्क जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको रियलाइज होगा। सिलेबस लेंथ मेरे ख्याल में एडिक्वेट है, कुछ चीजें नेसेसरी भी हैं इसके सिलेबस के अंदर, और कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट भी करती हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स जो हैं इसमें थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आगे। अच्छा, सबसे जो अच्छी बात है इस सब्जेक्ट की वो ये है कि ये सब्जेक्ट US हिस्ट्री, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ और SA के साथ इसका जो है सिलेबस जो है कहीं ना कहीं वो मैच कर जाता है, आपको कहीं ना कहीं ये फायदा दे जाता है सब्जेक्ट, क्योंकि ये इसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल कुछ अरसे से इंडो पैसिफिक की जो राइवलरी है US चाइना के, उसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस दफा भी आए हैं, लास्ट टाइम भी आए हैं, उससे पिछली दफा भी आए हैं, तो इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन दोनों पेपर्स में आ जाता है। और फिर खूबसूरती ये है कि समटाइम्स ऐसे के अंदर भी फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल जो डायनेमिक्स होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाता होता है, तो उसको अटेम्प्ट करना अब एस्पायरेंट्स के लिए रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि उनके पास वो एक रिक्वायर्ड नॉलेज होता है जो 6-8 महीने के अंदर अपनी तैयारी के अंदर गेन कर चुके होते हैं। इज इट स्कोरिंग सब्जेक्ट? पर्सनली स्पीकिंग इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, डिपेंडिंग आप उसको जो एक एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, उसकी जो आपसे बातें वो पूछना चाह रहा है, जो आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आप उसको वो मटेरियल प्रोवाइड कर दें, और वो बहुत इजी है, बहुत इजी है। वो आगे आगे हम जाते प्रेजेंटेशन जैसी आगे जाएगी हम इसमें बात करते जाएंगे साथ साथ, वो प्रोवाइड करना बहुत ईजी है, और मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ बताऊंगा कि वो आप कैसे इस सब्जेक्ट को टैकल करेंगे तो आपके कैसे अच्छे स्कोर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बज वर्ड्स हैं कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, अब देखेंगे आप सबको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इंडो पैसिफिक, ग्लोबलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, लोग पढ़ पढ़ थके हैं, वो जो एक और है एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, उसको लोग बहुत पढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एनेक्सेशन की बात हो रही होती है, इसराइल एनेक्सेशन कर रहा है, रशिया ने अभी जो डॉनबास रीजन जो है यूक्रेन को उसको एनेक्स कर लिया है, फिर कश्मीर के अंदर इशू चल रहा है, तो ये ग्लोबल बज़वर्ड्स हैं। यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, बहुत ज्यादा आजकल इश्यूज बने हुए हैं, एनर्जी गवर्नेंस का मसला पिछले 2-4 साल से बहुत ज्यादा आ गया है, खास तौर पे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रशिया की जो जियोपॉलिटिकल ओवररीच है उसके अंदर एनर्जी गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल है, और जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक प्लस रशिया कंट्रीज हैं, उनकी जो एनर्जी के अंदर डोमिनेंस है उनके जियोपॉलिटिकल रोल को डिफाइन करती है। फिर मल्टीलैटरलिज्म है, ऑब्वियसली ईयू है उसके अंदर, यूरोपीय यूनियन है उसके अंदर, हम बात कर लेते हैं डिफरेंट जो ब्रिक्स हो गई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उसके अंदर बड़े अकॉर्ड बन रहा है ऑब्वियसली। तो ये बज वर्ड्स हैं जिसके अंदर लोगों को, हर एकेडमी में हर बंदे को, हर मेंटोर जो है वो इन इन टॉपिक्स के ऊपर बता रहा होता है कि आपने ये करनी है, और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपनी अनड्यू एनर्जीज इन टॉपिक्स के ऊपर यूटिलाइज कर रहे होते हैं,
वो क्या कर रहे हैं कि देखें, आप जब भी इंडो पैसिफिक को निकालेंगे, आप अगर स्टेट जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट यूएस का उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इंडो पैसिफिक पॉलिसी मिलेगी। काफी क्लीन और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। उस डॉक्यूमेंट को जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि इंटरनेशनल परस्पेक्टिव में इसको कैसे करना है। आपको वो पता लग जाएगा उसकी की पॉइंट्स क्या है, मेन इश्यूज इंडो पैसिफिक के अंदर क्या है, यूएस के इंटरेस्ट क्या है, चाइना के इंटरेस्ट क्या है, और बुलवॉक ऐसे क्यों क्रिएट किया जा रहा है इंडिया को अगेंस्ट चाइना। लेकिन उसको जब आप एनालाइज करेंगे ना इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो वो उस डॉक्यूमेंट में मिसिंग होंगे मोस्टली, क्योंकि वो बात बिजनेस की कर रहा होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डॉक्यूमेंट बात कर रहा होगा, उसके अलावा वो रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहा होगा, वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की बात कर रहा होगा, तो वो उसके अंदर वो बात कर रहा होगा डिप्लोमेसी के अंदर जो हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की वो डॉक्यूमेंट बात करता है, तो लोग उसको मिसरीड कर जाते हैं। और जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो क्योंकि उसको लिंक नहीं कर रहे होते इंटरनेशनल रिलेशंस के कोर कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो क्या होता है कि उनको अच्छा पेपर अच्छा अटेम्प्ट कराते हैं प्रिपरेशन, लेकिन उनको मार्क्स नहीं आते, उनके मार्क्स नहीं आते। क्यों? पेपर वन जो है ना, आप इमेजिन करें अगर आप लोगों ने सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन का जो पेपर वन जिसमें कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो ठीक कर लिए, उनको आपको एनालाइज करना आ गया, पेपर टू इज अ पीस ऑफ केक। और ये गारंटी है, और मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे। देखें फिर देखें थ्यूसिडाइड ट्रैप, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ग्राहम एलिसन ने एक लिख दिया था, आर्टिकल लिख दिया था उसके अंदर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के अंदर, तो अब हर एस्पायरेंट जो इसके पीछे पड़ा हुआ है। लिवेथिन की बात करें, थॉमस हॉब्स की बात करें, तो हर बुक में आपको ये मिलेगा, हर मेंटोर इसकी बात करेगा। एंड ऑफ हिस्ट्री की भी बात कर ली, डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी, आपने फॉरेन पॉलिसीज करनी है, जो पाकिस्तान की करनी है, आपने इंडिया की करनी है, आपने यूनाइटेड स्टेट्स की करनी है, आपने रशिया की, जो बुक में सिलेबस में भी देनी है। तो आप क्या करते हैं कि वो एक फॉरेन पॉलिसी को एज ए आइसोलेटेड टॉपिक लेके आप तैयार कर रहे होते हैं। फिर अब डेमोक्रेसी की आजकल बहुत बात हो रही है, जमहूरियत हर तरफ आ रही है, जो फॉरेन पॉलिसीज कुछ कंट्रीज चला रहे हैं जैसे यूनाइटेड स्टेट्स चला रहा है, यूरोपियन यूनियन चला रहा है, तो वो उनकी मोस्टली यही होती है कि आप डेमोक्रेसी को प्रमोट करना है पूरी दुनिया के अंदर, वो हम बात करेंगे कैसे। फिर इंटरनेशनल लॉ की बात आ गई, ये है बज वर्ड्स। अब हमने इनमें से निकालना है कि हमारे काम की बातें कौन सी हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें इग्नोर कर देंगे। सी एस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी एंड स्मार्ट वर्क। अब किसी भी आई आर के प्रोफेसर के पास चले जाएंगे तो आपको, मेरा ख्याल है कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही आपके ट्रिक करेगा, आपको ये बज वर्ड्स के पीछे भागने नहीं देगा। और जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को करेंगे तो ये बज वर्ड्स ऑटोमेटिकली उस बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर क्लियर होते हैं, और जब कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अच्छा होगा तो फिर पेपर अच्छा होगा आपको सारा। अच्छा, ये कोड्स हैं, इनके ऊपर करेंगे बात, इनको आगे डिसाइफर करेंगे, जाके भी इनको देख लेते हैं। देखें, रॉबर्ट कैप्लन ने अपनी बुक रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में कहता है that technology has cancelled geography contains just enough merit to be called a plausible fallacy. कि टेक्नोलॉजी ने ज्योग्राफी को कैंसिल कर दिया। पॉइंट अब देखें, ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं इतनी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हो गई है कि फ्रंटियर्स और बॉर्डर्स भी रेलेवेंट हो चुके हैं, लेकिन वो रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी में बात करता है कि ज्योग्राफी जो है ये एक प्लॉजिबल फैलेसी है। फिर देखें जोसेफ स्टालिन, यहाँ पे बात ज्योग्राफी आ गया। देखिए आई आर का कोर कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से आगे आप इसको लेके चलेंगे देखेंगे कि स्टेट्स के इंटरेस्ट क्या होते हैं। जोसेफ स्टालिन ने पोप के बारे में कहा था, कुछ लोग कहते हैं कि ये रॉन्गली एट्रीब्यूटेड, पर बहुत ज्यादा फेमस है कि हाउ मेनी डिविजन्स डज द पोप ऑफ रोम हैव। अब बेसिकली वो बात कर रहा है कि ब्रूट पावर की, फिजिकल पावर के, मेरे पास फिजिकल पावर है और पोप के पास एक मॉरल अथॉरिटी है। देखिए कोर इंटरनेशनल रिलेशन के साथ देखें क्या वो बात कर रहा है, पावर की बात आ गई, एक तरफ ज्योग्राफी की बात आ गई है, दूसरी तरफ पावर की बात आ गई, कोर कॉन्सेप्ट से दोनों के दोनों इंटरनेशनल रिलेशन। नेशनलिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ या टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में बेनेडिक्ट एंडरसन, देखें इमेजिन कम्युनिटी उसकी बुक थी, वो कहता है कि नेशनलिज्म इज द पैथोलॉजी ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंटल हिस्ट्री। कह रहा है पैथोलॉजी है। अब जब आप नेशनलिज्म की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नेशनलिज्म से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ड्राइव होता है, ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है कि मॉडर्न डेवलपमेंट हिस्ट्री के अंदर इट्स अ पैथोलॉजी नेशनलिज्म, ये आपको कंटेन करती है, आपको प्रोग्रेस से रोकती है। मेरे से डिफरेंट ओपिनियंस है ऑब्वियसली, लेकिन एक ऑथर है अपना, इसकी बात ऑब्वियसली कंसिडर की जाती है।
देखिए एज नेशनलिज्म को आप जब हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव में देखेंगे तो इट्स अ सेक्युलर सब्जेक्ट, ये सेक्युलरिज्म की बात करता है, लिबरेशन की बात करता है, लोगों की आजादी की बात कर रहा है, लोगों के जो ऊपर जो कॉलोनियल रूल्स था उससे निकलने की बात करता है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट, मॉडर्न डेवलपमेंट हिस्ट्री में बेनेडिक्ट एडिसन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पैथोलॉजी है, ये एक बीमारी है। इसमें मोस्टली देखें टर्म्स उसने क्या की थी, ये एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट है, एम्बिग्विटी देखें हाईलाइट किया हुआ है और एंड पे लिखा इनक्योरेबल है, इसको आप क्योर नहीं कर सकते। सो CSS एंड IR इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। अब ये देखें, अब ये हमारा पेपर जो इस दफा CSS 2023 में है, पेपर वन। अब देखें, अब इसको हम डिसाइफर करते हैं थोड़ा सा आगे चलने से पहले। अच्छा, पहली दफा में क्या कर रहा है वो आपसे बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर टू के अंदर वो क्या कर रहा है, एसिमेट्रिकल वॉरफेयर। अब ये स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू IR के अंदर आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट। IMF की बात कर रहा है, इसको हम आगे चल के देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे थ्रेटिकल परस्पेक्टिव की बात कर रहा है आपसे, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू IR अब कोर कॉन्सेप्ट से पूछ रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, IMF, वर्ल्ड बैंक के जो इंस्टीट्यूशन है, क्या ये फायदे के लिए बनाए गए हैं या क्या ये न्यू इंपीरियलिज्म इंपीरियलिस्टिक इंस्टीट्यूट बन चुके हैं और ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल थर्ड वर्ल्ड है, उनको उनके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं। जो क्रिटिक जो थ्योरी है उसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट किया इमैनुअल वॉलेंस्की ने दिया था, डिपेंडेंसी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कोर कॉन्सेप्ट कहता है। फिर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, और उसका लास्ट जो था वो है ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसके अंदर वो चाइना ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर की बात कर रहा है और चाइना की राइज को साथ लिंक कर रहा है। अच्छा, ये जो चीजें मैंने इसमें यहाँ पे बताई हैं, ये पेपर टू में आई हैं। देखिए, अब बर्ड वर्ड्स को देखें और यहाँ पे आप फोकस करें, इंटरनेशनल लॉ, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी पे बात उसने की, सॉवरेनिटी का क्वेश्चन पूछा गया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया पेपर टू के अंदर IR की। सब इसका मतलब ये है कि जो आप बर्ड वर्ड टिपिकल आप सुन रहे हैं, आप हर जगह पे देख रहे हैं, वो जो अब का एग्जामिनर सेटर है वो क्या कर रहा है कि वो इस वक्त दुनिया के अंदर जिन टॉपिक्स पे बात हो रही है ज्यादा से ज्यादा, वो उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। आजकल इंटरनेशनल लॉ बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, आप जहां पे भी जाएंगे, जिस मर्जी मैगजीन इंटरनेशनल को निकालेंगे, आपको इंटरनेशनल लॉ के ऊपर कोई ना कोई आर्टिकल मिलेगा। क्लाइमेट चेंज इज अ बिग इशू, यहाँ पे कॉप्स हो रही है, इसके अंदर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर बातें हो रही है, G77 प्लस चाइना मिलके इसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और एक इमरजेंट थ्रेट है दुनिया के लिए। तो क्लाइमेट चेंज की बात करें, देखिए आप अपनी जो एग्जामिनर है वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके आपसे वो बातें पूछ रहा है जो दुनिया में हो रही है इस वक्त। इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है इस वक्त दुनिया के अंदर, कैपिटलिज्म की वजह से जो इनइक्वालिटी डेवलप हो गई है उसकी बात। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट है कि सॉवरेनिटी क्या है, और उसके आगे उन्होंने फिर क्वेश्चन जो पूछे इंटरनेशनल लॉ के साथ उसको लिंक किया हुआ है, आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 जो UN चार्टर है उसकी बात करता है, उसको लिंक करके कहता है कि आप नॉन इंटरफेरेंस के ऊपर आर्गुमेंट्स दें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये समिट हुई थी मेरे ख्याल में आई थिंक 2015 में, और ये 2030 तक जाने जो 17 गोल्स हैं जो कंट्रीज ने मीट करने हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो देखें, आज के दिन में आप जो भी बुक खोलेंगे, आप जो भी न्यूज़पेपर खोलेंगे, आप कोई भी रिसर्च पेपर निकालेंगे, तो इन टॉपिक्स पे बात हो रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने जो रेलिवेंट टॉपिक्स है जो आजकल इन है उनको लाजमी तैयार करना है, और कैसे तैयार करना है, इंटरनेशनल रिलेशंस के परस्पेक्टिव में तैयार करना है। 3 C's है इंटरनेशनल रिलेशंस के, जो आप इसको अगर टोटल इसके ऊपर सम टोटल जो इस पूरे सब्जेक्ट का है, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एंड इट्स ऑल अबाउट इंटरनेशनल कॉपरेशन। ये 3 C's जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस को पूरा एक कहते हैं ना कि वो समंदर को कूजे में बंद कर देना, दरिया को कूजे में बंद कर देना, ये वो ही बात है 3 C's। ये बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, द मार्च ऑफ फॉली, बारबरा डब्ल्यू ट्रकमैन की। अच्छा, ये बुक आपको बहुत कम कोट हुई मिलेगी बुक्स के अंदर भी, कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता, बहुत ही खूबसूरत बुक है, बहुत ही सिंपल लिखी हुई है। और देखिए, इस बुक के जो सेंट्रल थीम है ना, वो है परसूट ऑफ पॉलिसी कॉन्ट्रेरी टू सेल्फ इंटरेस्ट।
तो मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस में जो थ्योरीज हैं, नेशंस की इंटरेस्ट क्या है, नेशंस की एस्पिरेशंस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, और जो भी नेशन जो भी नेशन परसू करेगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो क्या करेगी, ऐसी पॉलिसी को परसू करेगी जो उसकी सेल्फ इंटरेस्ट में। सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स आपने जो है ना सेल्फ हेल्प का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, सेल्फ हेल्प हांस मॉर्टन थाओ और जो रियलिज्म के बड़े नाम है, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के नाम है, वो भी यही कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एक एनार्कियल सिस्टम है जिसमें हर मुल्क ने अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और इस बुक में, छोटी सी बुक है, मेरे ख्याल में 200 या 300 पेजेस की होगी, इस बुक के अंदर पावर, पेसिमिज्म, रियलिज्म और ह्यूमन नेचर के ऊपर कमाल की बातें लिखी हुई हैं। अगर कोई किसी के पास टाइम हो, अगर वो पढ़ना चाहे तो उसको जरूर पढ़ लें, आपको आईआर में ये बुक बहुत हेल्प करेगी। आप इसके अंदर इतनी ज्यादा केस स्टडीज हैं इस एक बुक के अंदर कि आपको आपको जितनी मर्जी हेनरी कैसिंजर की बुक्स पढ़ लें आपको नहीं मिलेगी। आपको लोग इधर उधर बता देंगे कि आप फलानी बुक भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, आप जितना मर्जी पढ़ लें, ये आपका बेसिक नॉलेज ये बुक डिवेल्प कर देगी, जो कि कमाल का आईआर के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा नॉलेज है। आपके पास की स्टडीज होंगी, आपको पता होगा किस कंट्रीज ने कहाँ पे गलती की, कहाँ पे उसको कौन सा काम करना चाहिए तो उसने नहीं किया, कहाँ पे उसने ऐसी पॉलिसी को परसू किया था जो उसके सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं थी और उसको उसको क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। बहुत अच्छी बुक है। और अगर जो मैं क्रैश कोर्स में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं उनको इस बुक को थोड़ा सा और मजीद डिसाइफर करके इसके अंदर जो केस स्टडीज है हम इंशाल्लाह ताला लाजमी वो पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की जो हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक वाटरशेड मोमेंट आया था वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के अंदर भी थी। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि एक सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक इमेच्योरली डेवलप होना शुरू हुआ। नॉन इंटरफेरेंस उनको कहा गया कि जो डोमेस्टिक एरिना है वो उसके अंदर कंट्रीज के डोमेस्टिक एरिया में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और पहली दफा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आता है। उसके बाद 1815 में कांग्रेस ऑफ वियना होती है आफ्टर नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा फेमस कैरेक्टर है हिस्ट्री में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उसने एम्पायर खड़ी की और उसने जो जंगे लड़ी उसके बाद ये कांग्रेस होती है एट द बिहेस्ट ऑफ सार ऑफ रशिया। और इसके अंदर क्या बातें होती हैं, अब ये कंसर्ट ऑफ यूरोप क्रिएट करता है, बैलेंस ऑफ पावर का सिस्टम क्रिएट करती है। ये देखिए 100 साल बाद, ऑलमोस्ट 150 साल बाद एक न्यू एक शिफ्ट आती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिसमें बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें मोनार्कीज रिस्टोर हो रही है। अब नेशन स्टेट वहां पे मर्ज हो रही है, यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्कीज की बात हो रही है। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद अंटिल 1914 जो वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है, बिस्मार्क जो जर्मन था, मेरा उनको फॉरेन मिनिस्टर था, आप उसको समझ सकते हैं, इस बंदे का इतना इंपॉर्टेंट रोल था, इसने कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ अलायंसेस क्रिएट किए जिसने ये बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम को एक मेंटेन किया पूरे यूरोप के अंदर अकेले इस बंदे ने। और जब मेरे ख्याल में 1890 में या 1889 के अंदर जो तब के जार थे रशिया के, सॉरी जर्मनी के, सॉरी जार नहीं थे, उनका कुछ और कहा जाता है, जो राइक उनकी होती है मेरे ख्याल में, विलहेम समथिंग उसका नाम था, उसने इसको रिमूव कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो उसने कॉम्प्लेक्स अपनी जीनियस के थ्रू एक अलायंसेस और बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट की होती है यूरोप के अंदर, वो स्लोली स्लोली डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकलता है कि उसमें वर्ल्ड वॉर वन के अंदर दुनिया चली जाती है। उसमें बालकान के अंदर क्या रोल है उसका, सेंट्रल यूरोप के अंदर उसने कैसे अलायंसेस को मेंटेन किया, उसने ग्रेट ब्रिटेन के को कैसे मैनेज किया। और मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि ये वो बंदा था जिसने 1871 में जब फ्रेंको प्रूशियन वॉर हुई थी उस वॉर को इस बंदे ने खुद इंस्टिगेट किया था। उसके अंदर पहली दफा इसने न्यूज़पेपर्स को एज ए प्रोपेगेंडा टूल यूटिलाइज किया था।
उसके बाद आती है वर्साई ट्रीटी 1919, वर्ल्ड वॉर वन होती है, वर्ल्ड वॉर वन का डिस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद वुड्रो विल्सन अपने 14 पॉइंट्स एजेंडा देते हैं जिसमें लीग ऑफ नेशन को कॉन्सेप्ट देते हैं और वो खुद आके इस ट्रीटी को साइन तो करते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड स्टेट्स को रेटिफाई नहीं करता। इसके बाद क्या होता है, जो इंटर वॉर पीरियड है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, उसके अंदर कुछ न्यू चीजें जो है अब आना शुरू हो जाती है। एक प्रोग्रेसिव और लिबरल वर्ल्ड पॉलिटिक्स थोड़ी सी जन्म ले रही होती है क्योंकि वुड्रो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स हैं वो प्रोग्रेसिव पॉइंट समझे जाते हैं और वो लिबरलिज्म पे बिलीव करने वाला हो, वो जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट होता है, अब ये लीग ऑफ नेशन इज ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, उसको करते हैं। फिर अपने डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो है ना इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। कैलो ब्रायंट बैक, ये दो फॉरेन मिनिस्टर्स थे फ्रांस और अमेरिका के, इन्होंने एक पैक्ट किया 1928 के अंदर टू रिनाउंस वॉर एज ए टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी। इसके अपने पैक्ट थे रशिया, इटली और जर्मनी के अंदर नेशनलिज्म और फासिज्म का राइज होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस बिटवीन द इंटरवॉर पीरियड। उसमें काफी सारी उसमें जर्मन पे रेपरेशन होती हैं, उसको जर्मन के अंदर वो जो जो चीजें वुड्रो विल्सन फियर कर रहा होता है कि ये लोग करेंगे और अल्टीमेटली फिर एक जो बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम डिस्टर्ब होगा वही जो एलाइड पावर्स होती हैं वो करती हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि हिटलर और मुसोलिनी सेंट्रल यूरोप के अंदर खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर जो सिस्टम क्रिएट हुआ होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। दैट रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू की एंट्री होती है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस 1945 में। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जो होता है वो अप्रूव किया जाता है। अब फिर एक न्यू शिफ्ट आ रही है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल लॉ को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू हो जाती है। कैपिटलिज्म और कोऑपरेशन की बात हो रही होती है तो दूसरी तरफ रशिया और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी जो होती है वो पनप रही होती है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो सिक्योरिटी काउंसिल का सिस्टम होता है, एक फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम आती है और फिर एक बैलेंस ऑफ पावर का न्यू सिस्टम जनरेट हो जाता है। उसके बाद राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, डीकोलोनाइजेशन होती है 1960s के अंदर, कोल्ड वॉर उसका इम्पैक्ट क्या होता है, मल्टीलैटरलिज्म 1990s के बाद जब डिसइंटीग्रेट होता है सोवियत यूनियन, उसके बाद मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर बड़ा बहुत ज्यादा शिफ्ट आ जाता है, फोकस आ जाता है। और इस वक्त दुनिया को यही कहा जाता है कि ये मल्टीपोलर इस वक्त वर्ल्ड है, इसमें यूनिपोलर नहीं है। दरमियान में एक छोटा सा पीरियड आता है जब ये यूनिपोलर हो जाता है, जब अमेरिका एज ए सॉवरन और सिंगल हेजमॉन आ जाता है वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। लेकिन सोन वो ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट में खाल में होती है यूरोपीय यूनियन की, और यूनियन जो यूरोपीय यूनियन एक बिग प्लेयर बन के और इमर्ज होता है। और साथ साथ जो चाइना राइज कर रहा होता है ड्यू टू पॉलिसीज ऑफ डेन शोपेंग इन 1970, जब वो चाइना को ओपन करता है, वो मार्केट पॉलिसीज लेके आता है, तो चाइना भी ग्लोबल स्टेज पे आना शुरू हो जाता है। तो वहां पे फिर क्या होता है कि लोग अपनी पावर को, कंट्रीज अपनी पावर को देखते हुए एक मल्टीपोलर वर्ल्ड जनरेट होती है जिसमें पावर सेंटर्स डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ चाइना है, यूरोप के अंदर यूरोपीय यूनियन है, और यूरोपीय यूनियन के अंदर मजीद पावर डिसेंट्रलाइज्ड है, फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन, इनकी अपनी पावर इन्फ्लुएंसेस होती है। और फिर इंटरनेशनल पोलिटिकल इकोनॉमी वाशिंगटन कंसेंसस आता है 1990s के अंदर, और फिर वो यूज करते हैं। खासतौर पर इसका जो जन्म होता है वो तो होता है 1971 में, जब निक्सन डॉलर पैक को हटा देता है गोल्ड के साथ जो पैक किया होता है 1945 के बाद। उसके बाद क्या होता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो रोल है वो शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, और वो क्या करते हैं, अब हम उसको कहते हैं न्यू इंपीरियलिस्ट जो डिजाइन है वर्ल्ड इनके आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के, वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। वो पॉलिसी पेपर्स देते हैं और अभी क्रिटिसिज्म के बाद अब थोड़ा सा वो लोग इस तरफ आए हैं कि वो आपको जो सोशल इश्यूज हैं उसके ऊपर थोड़ा सा लीवे दे देते हैं कि आप ठीक है आप स्पेंडिंग कर लें, जैसे सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स हैं। अदरवाइज ड्यूरिंग 20-30 ईयर जो पीरियड था 1970s लेके 2000 वाला, उसके अंदर जब भी वो आप उसका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की तरफ जाते थे तो आईएमएफ आपसे ऐसी चीजें डिमांड करता था जिससे एक वो डिपेंडेंसी क्रिएट होती थी आपकी डेवलप वर्ल्ड के साथ, अंडर डेवलप वर्ल्ड के आपके रिसोर्सेज आपको कहते थे आप लिबरलाइज करें, ट्रेड को लिबरलाइज करें, आप टैक्सेशन रिजीम को ठीक करें, आप सब्सिडीज को खत्म करें। और डेवलपिंग कंट्रीज जिनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और वहां पे पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज होती है वो इंक्रीज कर जाते हैं। अब हम कोर्स मॉड्यूल को कैसे लेके चलेंगे,
देखिए, इसमें हम सारे कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को अभी मैंने आपको थोड़ा सा जैसे ब्रीफ बता दिया, तो हम इंशाल्लाह ताला उसको करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी की बात करेंगे। मेन फोकस जो इस कोर्स के अंदर हमारा होगा वो होगा हम कोर कॉन्सेप्ट्स और बेसिक थ्योरेटिकल जो फ्रेमवर्क है हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का, उस पर फोकस करेंगे, जिसमें थ्योरीज होंगी। और ये देखेंगे कॉन्सेप्ट है नेशनलिज्म, बैलेंस ऑफ पावर, पावर सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक अप्रोचेस टू इंटरनेशनल रिलेशंस, वॉर इन इट्स टाइप। क्वेश्चन आया हुआ था अभी इस साल एसिमेट्रिकल वॉर पेपर, तो हम वॉर और उसकी टाइप्स और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस उन पर बात करेंगे। स्ट्रेटेजिक कल्चर, इसके ऊपर ऑब्वियसली एक और कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक कल्चर इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के ऊपर हम रिलेटिवली ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आज के टाइम में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च पेपर्स लिखे जा रहे हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी इस साल भी आए हैं और नेक्स्ट ईयर भी लास्ट में आएंगे। और क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और हम क्योंकि बार बार आईएमएफ के पास जा रहे हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेज असरात है उसके ऊपर लाजमी एग्जाम्पल बात करेगा और पूछेगा। फिर ग्लोबल कम्युनिटी में देखें डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल लॉ एंड आर्म्स कंट्रोल। आर्म्स कंट्रोल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी इस क्वेश्चन आया हुआ था वो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन IAEA, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ का इस दफा फिर आया हुआ है, आर्टिकल 2 पैराग्राफ 4 की बात हुई थी। डिप्लोमेसी जो है वो एक टूल है फॉरेन पॉलिसी चलाने का, और डिप्लोमेसी के अंदर आपकी कॉप्स आती हैं जहाँ पे आप निगोशिएट कर रहे होते हो, आपके पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट होते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो रही होती हैं, तो सब डिप्लोमेसी का होता है। और ये कोर कॉन्सेप्ट है, यही पेपर 2 के अंदर यूज करके तो चीजों को चला करता है। फिर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, IMF, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसकी कंपोजिशन क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, फेमस केसेस को कुछ 2-4 को हम डिस्कस करेंगे जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है। यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे। मॉड्यूल 2 में हम क्या करेंगे, अब हम पेपर 2 की तरफ आ गए। पेपर 2 को हम लोग करंट अफेयर से चीजें निकालेंगे। एक तो हम इसको सिलेबस को फॉलो करेंगे एज इट इज, जैसे जैसे उसको वैसे वैसे करेंगे। कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें करेंगे जो कि इस वक्त दुनिया में बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं टॉपिक्स के ऊपर, वो कौन से टॉपिक्स हैं वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फॉरेन पॉलिसीज हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम पाकिस्तान को, फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बात करूँ पाकिस्तान को ले लेंगे कि 1947 के बाद अब तक फॉरेन पॉलिसी कैसी है। फॉरेन पॉलिसी के मेरा नहीं ख्याल फ्यूचर में क्वेश्चन आएंगे, ये मेरा पर्सनल है, हो सकता है आई मे बी रॉन्ग। मेरे ख्याल में वो देखिए इंडो पैसिफिक पॉलिसी जो है वो भी फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, और जो रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है और उसके जो कॉन्सिक्वेंस है वो भी उनकी फॉरेन पॉलिसी का मूव है। तो आपने फॉरेन पॉलिसी, अब आपको पूरी पूरी नहीं पूछेंगे कि आप यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी बता, वो आपसे जो आजकल के दौर के अंदर उनकी फॉरेन पॉलिसी चल रही है और क्या क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी में फोकस है उनके बात होगी। और हम भी कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करें जो रेलिवेंट हो, जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आने होंगे और जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट हो, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा उसके अंदर। साउथ एशिया की बात करेंगे, कंटेम्प्रेरी इशू जिसमें कश्मीर के इशू बात करेंगे, अब क्वेश्चंस तो अभी भी आ रहे हैं इसके ऊपर, पैलेस्टीन के ऊपर हम तो उसको कर लेंगे, ऑब्वियसली वो एक रेलिवेंट टॉपिक है लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर उसके ऊपर बहुत कम फोकस हो रहा है क्वेश्चंस के अंदर। न्यूक्लियर वेपन्स और नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये ट्रीटीज कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाते हैं और ये बहुत ज्यादा आपको बाकी पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प दे रही होती है। तो अक्सर लोग इनको कुछ नहीं भी करते हैं, कुछ पढ़ाते हैं कुछ नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये जो ट्रीटीज यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको हम लाजमी करेंगे और कुछ इनके अंदर एड भी जाएंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्सेज ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी अभी निगोशिएट हो रही है, इसको पाकिस्तान ब्लॉक कर रहा है इसकी इस ट्रीटी को। न्यूक्लियर सप्लायर जो बहुत इंपॉर्टेंट है NSC, और खास तौर पे इस कॉन्टेस्ट के अंदर कि अमेरिका ने जो सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन का एग्रीमेंट किया हुआ है 2005 में इंडिया के साथ, उसमें NSC का और जो उनको स्पेशल वेवर दिया गया उसका बहुत अहम रोल है, और क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी इशूज के अंदर भी आ जाता है और साउथ एशिया में आ जाता है तो हम इसको लाजमी करेंगे। फिर आता है MCTR, मिसाइल MTCR, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल हो चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को इसकी इसकी भी एक्सेस नहीं है और NSG की भी एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो चाइना है वो हमें जो चश्मा में और हमने कराची में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाए हैं तो चाइना ने हमें सप्लाई किए हैं, और चाइना ने ये भी लिया कि ये NSG करने से पहले जो चाइना एंटर हुआ था तो ये पहले के एग्रीमेंट है,
तो ये उसको इसमें इंक्लूड नहीं होता एनएससी के अंदर, तो उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इन टॉपिक स्ट्रेटजी है बहुत ज्यादा, इस पे पिछले 2-3 सालों में लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा है, लेकिन हम इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे जो टिपिकल आईआर का पर्सपेक्टिव है। रशिया यूक्रेन वॉर, अफगान क्वेश्चन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पाकिस्तान अफेयर में आता है, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है और ये आईआर में भी आ जाता है और यूएस हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इसको लाजमी डिटेल में पढ़ा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की क्वेश्चन को आईआर में कैसे अटेम्प्ट करना है, किस लेंथ से आपने इसको डिसाइफर करना है। एनर्जी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है, खासतौर पे ये जो एलएनजी की है, एलएनजी और जो नेचुरल गैस है, अब देखें आपको मार्केट में नहीं मिल रही। रशिया ने 2 नॉर्ड स्ट्रीम्स ऑपरेट करी थी जो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप को एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, नॉर्ड स्ट्रीम, अब दोनों के दोनों बंद पड़े हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जर्मनी जो है जो कि 70% डिपेंडेंट था ऑन रशियन गैस, अब वो अपनी सारी की सारी गैस इंटरनेशनल मार्केट से उठा रहे हैं और उससे की वजह से क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस की शॉर्टेज है और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो नई कार्गोज मिल रहा है, जो बड़े कंट्रीज हैं वो कार्गोज वो सारे के सारे जो है वो बाय कर लेते हैं ऑफ द शेल्फ, और इवन के पाकिस्तान के जो कतर के साथ एग्रीमेंट्स हैं जो कंपनीज के साथ हैं वो भी हमारे एग्रीमेंट्स को ऑनर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको जो पेनल्टी पड़ेगी हमारे डिस ऑनर करने पे कॉन्ट्रैक्ट, वो इतना ज्यादा रेट उनको मिल रहा है कि वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स को इतने ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इंशाल्लाह करेंगे। चाइना का जो राइज है वो ऑफेंसिव रियलिज्म में आता है या डिफेंसिव रियलिज्म में आता है। अब ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म की 2 टाइप्स है, जॉन मेशमर ने ऑफेंसिव रियलिज्म की बात की थी, स्ट्रक्चरल रियलिज्म का कॉन्सेप्ट केनेथ वॉट्स ने दिया था और इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो हम देखेंगे कि चाइना का जो ग्लोबल राइज है क्या चाइना ऑफेंसिव, ऑफेंसिव के मीन्स कि आप अपनी पावर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, और डिफेंसिव रियलिज्म में आएगा कि आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं आप अपनी सिक्योरिटी को, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान को डिफेंसिव रियलिज्म के स्कोप में लेके आ सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने अटोमिक जो किए थे एक्सप्लोजन किए थे वो पाकिस्तान इसलिए किए थे कि पाकिस्तान ने देखा था कि इंडिया ने क्योंकि कर ली है तो हमें अपनी एक डिटरेंस क्रिएट करना है और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो और किसी के थ्रेट नहीं है, हमने सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए किए हैं, तो आप उसको डिफेंसिव रियलिज्म के स्कोप में पाकिस्तान की इस पॉलिसी को देख सकते हैं। और पाकिस्तान की जो भी इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी है जो न्यूक्लियर वेपन्स के हिसाब से है और जो कन्वेंशनल आर्म्स की बात अगर करें तो वो डिफेंसिव रियलिज्म ही आती है, हमारे जो इवन के मिसाइल्स जो हैं उनकी जो रेंज है वो भी हम इसी तरह कहते हैं कि इंडिया के फलाने एरिया तक ये जाएगा, दैट मीन्स हम दुनिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते कि कोई हम ऐसा मिसाइल बना दे कि जो किसी और कंट्री को भी टारगेट कर सकता, तो वो फिर आ जाएगा पावर के अंदर कि आप अभी आप शो ऑफ पावर करें कि आप इतनी रेंज के मिसाइल्स आपके पास है, तो वो ऑफेंसिव रियलिज्म में आ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की जो पॉलिसी है खासतौर पर सिक्योरिटी पॉलिसी है वो डिफेंसिव रियलिज्म के स्कोप में आती है, लेकिन अब पाकिस्तान ने जो न्यू नेशनल सिक्योरिटी का जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें उन्होंने नॉन ट्रेडिशनल और जियो इकोनॉमिक्स शिफ्ट की तरफ गए हैं, ह्यूमन सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी, तो उस डॉक्यूमेंट को भी हम इसके अंदर इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। अब आ जाते हैं, ये है इंपॉर्टेंट चीज, नेचर ऑफ डिबेट इन आईआर। अब आज के टाइम में जो इंटरनेशनल रिलेशंस की डिबेट ग्लोबली चल रही है वो ये टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर चल रही है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आ रही है, इसके अब जो प्रीवियस अस्टवाइल थे ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है, फेमिनिज्म इज अ वेरी इमर्जिंग कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया ये कहते हैं कि जो इस वक्त का इकोनॉमिक ऑर्डर है ये एक्सट्रैक्टिव है और ये इनइक्वालिटीज को जन्म दे रहा है। तो यूएन के अंदर एक डिबेट चल रही है कि एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर की तरफ जाया जाए जिसमें म्यूचुअली बेनिफिशियल दोनों कंट्रीज के लिए, जो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड है, जो इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस है, रिमूवल ऑफ सब्सिडीज है, जो वाशिंगटन कंसेंसस के बेसिक कार्डिनल पॉइंट्स हैं वो कहते कहा जाता है कि वो एक्सट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं और वो डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं डेवलप्ड वर्ल्ड के साथ, तो उसको खत्म किया। एनर्जी गवर्नेंस की बात आ गई, इंटरनेशनल लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनेशनल लॉ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो हम इसमें करेंगे लास्ट में, और खासतौर पर उसके कुछ बेसिक ऐसे आर्टिकल्स
जो आईआर के परस्पेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंशाल्लाह हम लोग करेंगे। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज ए हार्ड सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है कन्वेंशनल, जिसमें आपके मिसाइल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके न्यूक्लियर एसेट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके टैंक्स आ जाते हैं। ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पैराडाइम है जो कंट्रीज अपनी पावर प्रोजेक्ट करने के लिए आप जेट्स खरीदते हो, अब हार्ड सिक्योरिटी की तरफ जाते हो। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू इमर्जेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, अब ये शिफ्ट आ रहा है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की तरफ, ह्यूमन सिक्योरिटी की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, तो इसकी बात होगी। इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में फिर वही जो ग्लोबल सुप्रा नेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके अंदर IMF हो गया, उसके ऊपर हम डिटेल में इनको इंडिविजुअली देखेंगे और देखेंगे कि ये इनकी पॉलिसी से डेवलपिंग कंट्रीज कैसे डिसएडवांटेज में है और डेवलप कंट्रीज कैसे एडवांटेज में। कैपिटलिज्म और इनइक्वालिटी, ये बहुत बड़ी डिबेट है आजकल और इसको भी देखेंगे, और इन्हीं में से आप देखेंगे कि मोस्टली जो क्वेश्चन है, अभी यहाँ पे एक मिस हो गया नॉन स्टेट एक्टर्स का जो पॉइंट था, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे और आपकी अगर इसकी कोर कॉन्सेप्ट के साथ जब चीजों को रिलेट करेंगे तो आपको लगेगा कि चीजें आपको पढ़नी और करनी इजी हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा जी, ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि जी मैंडेटोरी बुक्स आपको IR करने के लिए, मतलब बेसिक नॉलेज की क्या क्या चाहिए। ये देखें, मेरा ख्याल इन बुक्स की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना जब आपके पास होता है तो आप जब क्वेश्चन बैठे होते ना पेपर के अंदर, तो जितना मर्जी डिफरेंट आ जाए आपको क्वेश्चन, आप उसको अटेम्प्ट कर लेते हो क्योंकि आपके पास वो बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ तो आपकी जो मेमोरी होती है ना कहीं वो पड़ी होती है आपके पास, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर वो बात याद आ जाती है। डिप्लोमेसी बहुत बड़ी बुक है, ये कोई पढ़ सकता है तो पढ़ ले, नहीं पढ़ता तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी इज ए रिलेटिवली शॉर्ट बुक, इसमें 10 हैं तो आप इसका कोई भी पकड़ के रिव्यू देख लें, उसमें से चीजें एक्सट्रैक्ट कर लें, प्रिंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ हवाले ही आपने एज ए पासिंग रेफरेंस देना होता है अगर आपको रियलिज्म पर क्वेश्चन आता है। हेनरी किसिंजर की बुक जो वर्ल्ड ऑर्डर है, ये बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट रीड है, इसमें थोड़ी सी बेसिक चीजें भी हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी के बारे में बात की हुई है, कुछ मुल्कों के जो 21st century के अंदर फॉरेन पॉलिसीज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की हुई है। पढ़ लें ठीक है, नहीं पढ़ सकते डोंट वरी, कोई मसला नहीं है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तो इसमें, न्यूज पेपर मैगजीन्स में क्या करना है, क्या पढ़ने चाहिए हमें, क्या डेली डॉन पढ़ना चाहिए हमें या न्यूज पढ़ना चाहिए, तो इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप अगर तो आपके पास कोर कॉन्सेप्ट आप पहले कर लें, उसके बाद क्या होगा कि ये करंट अफेयर्स की चीजें हैं, जब आपको और कॉन्सेप्ट आ जाएंगे उसके बाद आप अगर न्यूज पेपर भी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं डेली डॉन न्यूज पढ़ता हूँ, इसलिए नहीं पढ़ता कि मैंने कुछ IR का पेपर देना है या अपने नॉलेज के, आपको सिर्फ एक हेडलाइन से आइडिया हो जाता है कि ग्लोबली क्या चल रहा है, क्योंकि आपने IR पढ़ी होगी, आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा, जब आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसकी एस्पिरेशंस क्या है ग्लोबली, उसकी वीकनेसेस क्या है डोमेस्टिकली और वो दुनिया में करना क्या चाहता है, तो आपको उसका हर एक्शन जो है आपको उसका आइडिया हो जाएगा। खासतौर पर आजकल गेम थ्योरी के परस्पेक्टिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग कंट्रीज आजकल गेम थ्योरीज के परस्पेक्टिव में बहुत कर रहे हैं, जिसमें जीरो सम गेम और नॉन जीरो सम गेम ये दोनों आते हैं, इसको हम गेम थ्योरी को भी इंशाल्लाह ताला करेंगे लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको मिस कर जाते हैं। अब गेम थ्योरी का रेफरेंस देंगे आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे और गेम थ्योरी बहुत मजे की है पढ़ने के बारे में। क्रैश कोर्स का क्या होगा, ड्यूरेशन और टाइम क्या होगा, 6 to 8 weeks मेरे ख्याल में ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता, जब तक हम अपनी वो सारी चीजें नहीं कर लेते, हम इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को चलाते जाएंगे। मैं ज्यादा लंबे लेक्चर्स देने का कायल नहीं हूँ, मेरा ख्याल है कि शॉर्ट होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, वो बात जो समझ आ जाए, छोटे लेक्चर्स देंगे, जितना ज्यादा लंबा हो जाएगा कोर्स कोई मसला नहीं, अगर 2 months पे भी जाता तो कर लेंगे, लेकिन आपको वो बात बताएंगे जो आप उस दिन के लिए या उस टाइम के लिए आपको समझ आ जाए, ज्यादा बर्डन नहीं करना, ओवर बर्डन नहीं करना, टाइम काफी है आराम से, अगर आप 2 months भी देंगे साथ लेक्चर लें उसके साथ साथ आप थोड़ी सी बुक रीडिंग कर लेंगे, बुक्स भी मैं आपको बता दूंगा कौन सी करनी है, और मैं एक ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर मैं जो इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर्स आजकल लिखे जा रहे हैं वो मैं शेयर करता रहूंगा, नोट्स जो मुझे मिलेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, मैं खुद अपने पर्सनल पॉइंट्स, अगर मैं न्यूज पेपर पढ़ रहा हूँ मुझे लगा है कि ये करना चाहिए बताना चाहिए तो मैं आप लोगों को उसके ऊपर शॉर्ट जो है चीजें बताता रहूंगा।
वीकली असेसमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंडिविजुअली असेसमेंट होगी, हर जो एस्पायरेंट होगा उसको जो भी उसका टेस्ट होगा उसमें उसको उसकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को इंशाल्लाह ताला इलैबोरेट किया जाएगा, उसको बताया बॉक्स करेंगे, फ्रीक्वेंट करेंगे, एंड पे भी करेंगे, फोर टाइम पे भी करेंगे और उसको एंड पे भी एक पूरा पूरा पेपर हम इंशाल्लाह करेंगे, और एंड पे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है इंटरनेशनल पेशेंट्स का उसके ऊपर भी लास्ट में इंशाल्लाह ताला कोर्स होगा वो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है हम 27 फरवरी से स्टार्ट कर देंगे। टाइमिंग्स ऑब्वियसली ये मैंने 7 to 8 लिखा हुआ है लेकिन हम डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, और जो भी लोग ज्वाइन करेंगे उनकी क्या इजी अवेलेबल है जो उनका टाइम होगा इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर ये टाइम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन आंसर आपका, थैंक यू। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोग जी जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है वो पूछ सकते हैं, और वो इंशाल्लाह ताला मैं उनकी कोशिश करूंगा कि आप तो बता सकते। थैंक यू। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, बिल्कुल कोई बात पूछनी हो, कोई आपको कोई एम्बिग्विटी रहेगी हो तो मैं जरूर क्लियर कर देता हूं। जी 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 सर, ये जो आपने फाइनल पेपर का लेके सर, सिर्फ एक ही पेपर या पास्ट 5-7 पेपर, कितने पेपर? सॉरी, पास्ट पेपर मतलब आपने सर एक ही पेपर वो एलिवेट करना है या फिर? नहीं, हम जो क्योंकि आईआर में दो पेपर होते हैं तो हम इंशाल्लाह दो पेपर लेंगे, उसमें थोड़ा सा रीजनेबल एक दे देंगे, गैप दे देंगे, उसके बाद हम एक पहले पेपर वन लेंगे और उसको असेस करके फिर पेपर टू जो होगा आपको करेंगे। अगर तो सेम डे करना है रियल टाइम उसकी प्रैक्टिस के लिए तो वो भी ऑब्वियसली सबके साथ मिलजुल के उसको किया जा सकता है, नो इशू। बनाना मैं बना के दे दूंगा, आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है इंशाल्लाह ताला, वो चेक करना मेरा काम है, वो मैं इंशाल्लाह करता हूं। ठीक है सर। और सेकंड सर, सिलेबस तो सर आपने बिल्कुल टच नहीं किया कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल देखें उसके अंदर आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात हो रही है, वो लेकिन सिलेबस का पार्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने इसलिए नहीं किया कि नॉट टू साउंड रेपिटेटिव और वो एक टिपिकल सी वो एक प्रेजेंटेशन सी हो जाती है, इस वजह से मैंने वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं की। बेसिक मेरा मकसद था ओरिएंटेशन का ये कि हम वो टॉपिक्स करेंगे जो कोर टॉपिक्स होंगे हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के, और उसमें कौन क्या क्या आ सकते हैं। देखिए, नेशनलिज्म करेंगे हम, थ्योरीज को पढ़ेंगे, जो हमारा FPSC का सिलेबस है वो हमने एज इट इज पूरा करना है, लेकिन हमारा जो फोकस होगा उसमें ज्यादा फोकस वो ये होगा कि हमने पेपर वन वाला जो सिलेबस है उसको अच्छा करना है, क्योंकि पेपर वन अच्छा होगा उसके कॉन्सेप्ट्स यूज करके आपने पेपर टू अटेम्प्ट करना है, और पेपर टू करंट अफेयर टाइप का पेपर होता है, लेकिन वो बातें सारी है। देखें, अब पेपर टू में क्या आ जाएगा, क्लाइमेट चेंज वाली बातें आ जाएंगी, एनर्जी गवर्नेंस की बातें आ जाएंगी, इंटरनेशनल पोलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनके क्या रोल है, इसकी बातें आ जाएंगी। उसके अलावा अब देखें, अब वो जो है रशियन रेवोल्यूशन की है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, एंड ऑफ हिस्ट्री है, उसको हम टच करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल मेरा जाती है मे बी डिसएग्री कि वो आउट ऑफ डेट होते जा रहे हैं, एग्जामिनर वो चीजें पूछ नहीं रहा, तो उनको उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना, वो थोड़ा सा उसको आप टचिंग रेफरेंस दे लें, उसको एक थोड़ा सा 45-40 मिनट्स की एक अच्छा सा कर लें, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और वो स्मार्ट स्टडी में भी नहीं आता। स्ट्रेटजी देखें, ये तो स्ट्रेटजी है कि आपने सिलेबस में क्या चीज है जो एग्जामिनर आपने पिछले 6 साल से देखना है पूछ रहा है, आपने उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना ताकि आपने एग्जाम में मार्क्स लेने हैं। तो अगर आप इररेलेवेंट चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम देंगे, उसको ज्यादा करेंगे, तो मेरे ख्याल में मार्क्स वहां पे शायद ना आए। बस टू द पॉइंट ही रहने। जी जी एग्जैक्टली,
देखिए ये आप अच्छा तैयारी तब होगी जब आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मेरा यही मानना है कि आईआर में मार्क्स आएंगे जब आप थ्योरी स्कोर करोगे, जब आप उसके कोर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, नेशनलिज्म, फासिज्म, उसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या है, पावर क्या है, उसके अलावा सॉवरेनिटी क्या है, नॉन इंटरफेरेंस क्या है, इंटरनेशनल लॉ के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। और फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी थी, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, मैं उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा मैं किस सेंस में बात कर रहा हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन आया था जो मैंने पेपर दिया था 2020 के अंदर, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड क्रिटिकल इवेल्युएट द लेजिटिमेसी ऑफ यूएस यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट इराक। अब ये देखिए मैंने नीचे इसका आंसर लिख दिया, इसका आंसर आपने बात करनी है आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर की बात करनी है जो कि सेल्फ डिफेंस के ऊपर, फिर आर्टिकल 24 जिसका जुस कोचंस का कैरेक्टर है, मतलब आप ये एक ऐसा नॉर्म है जिसे डेरोगेट नहीं कर सकते, अगर आप इसे डेरोगेट करोगे तो ये एक इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट होगा जिसकी इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पेनल्टीज होती है, जो रिटॉर्जन होती है जिसको आप कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि यूएस जो है इस वक्त वो एक बहुत बड़ी पावर है तो वो इस नॉर्म को डेरोगेट उन्होंने कर लिया। फिर आर्टिकल 27 है यूएन चार्टर का, और फिर निकारागुआ केस भी है आईसीजे का, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर ये जो था इंटरफेरेंस की बात। तो अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, मैं बेसिकली ये इसको यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बताया जाए कि कुछ क्वेश्चन आपको लग रहे होते हैं कि ये बहुत ईजी है, इनको अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन इसके ऊपर यकीन करें आप ज्यादा से ज्यादा ज्यादा लिख नहीं सकेंगे, आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस होगा, और फिर क्या होगा कि एग्जामिनर जो होगा वो आपको इन 4 पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स नहीं देगा। तो ये चीजें भी आपको साथ साथ जो मैं वो इनमें जो है ना गाइड कर दूंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये कौन सा पेपर हमने अटेम्प्ट करना है असल में बैठे हुए वहां पे, और कौन सा क्वेश्चन जो हमने नहीं करना, ऑन मेरिट आपने ट्रीट करना है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे आपको मार्क्स मिलेंगे, इस वाले को अटेम्प्ट करने पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो कैंडिडेट्स ये गलती कर जाते हैं जिसकी फिर उनको बाद में उनके लिए इशू भी बन जाता है और मार्क्स नहीं आते। तो अब आपको मेरे ख्याल में आइडिया हो जाएगा कि मैं किस सेंस में पढ़ाने की बात कर रहा हूँ। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर थ्योरीज कितनी है हमारे पास आईआर की? जी थ्योरीज कितनी है सर आईआर में? देखिए थ्योरीज हमने जो ज्यादा फोकस रखना है वो जो दो दो बड़ी थ्योरीज है हमारे पास, लिबरलिज्म और रियलिज्म, ठीक है, इनके आगे ऑफशूट्स हैं, नियो लिबरलिज्म है, नियो रियलिज्म है, ये होगी मेन फोकल पॉइंट, इनके ऊपर हमारा फोकस होगा। जो बाकी है क्रिटिक थ्योरी, क्रिटिक थ्योरी के अंदर बहुत ज्यादा थ्योरीज आ जाती है, कंस्ट्रक्टिविज्म आ जाता है, फेमिनिज्म आ जाता है, उसके ऊपर फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट आ जाता है, उनको हम उनको भी करेंगे लेकिन उनके ऊपर हम ज्यादा वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने फिर वही बात की जब आप उनको करने बैठेंगे तो आपके पास आप एक तो उसको डिसाइफर करने में मुश्किल होगा, उसके ऊपर टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, और दूसरी बात ये होगी कि जब आप उसको करने बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा उसको अटेम्प्ट करते वक्त आपका ज्यादा नहीं होगा, आप उसको ज्यादा लिख नहीं सकेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर ज्यादा लिख नहीं सकेंगे, और फिर आपको बुक्स भी एक्स्ट्रा कंसल्ट करनी पड़ेंगी जो ऑब्वियसली आपका टाइम भी वेस्ट करती हैं, और जो फिर आपके लिए मेंटली भी आपको लगता है कि शायद ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने कहा जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो बार बार आती हैं और जो बार बार पूछी जाती हैं, जिनका हमने रूटीन में आईआर के अंदर जो करंट स्कूल ऑफ वो चल रहे हैं ना इशूज चल रहे हैं करंट, जिनके वो ज्यादा अप्लाई हो रही होंगी वो हम करेंगे लाजमी, फेमिनिज्म को लाजमी करेंगे हम, लिबरलिज्म को, रियलिज्म को, उनको डिटेल में करेंगे, क्रिटिक थ्योरी के अंदर हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को करेंगे, डिपेंडेंसी थ्योरी को करेंगे, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि उनके ऊपर बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो बाकी होंगे हम उनको करेंगे जरूर लेकिन उनके ऊपर हमारा ज्यादा फोकस नहीं होगा, उनको मतलब हम ये नहीं होगा कि उसके ऊपर हम 2 घंटे का लेक्चर रखें, वो उस सेंस में नहीं होगा। ऑब्वियसली ज्यादा टाइम हम बड़ी थ्योरीज को देंगे, उन थ्योरीज को कम टाइम देंगे और उनको उतना करेंगे जितना वो उनको मेरिट पर ट्रीट किया जा सकता है। ठीक हो गया सर। और भी क्वेश्चन किसी ने पूछना हो? टाइप कर सकते हैं, अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो आप जो चैट के अंदर क्वेश्चन लिख के भी दे सकते हैं, मैं उसको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा रिप्लाई करूंगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे पेपर टू है आईआर का, उसमें अगर हम क्यूरीज वगैरह अप्लाई ना करें, मतलब एज अ जनरल जो करंट अफेयर्स का पेपर होता है उस तरह अगर उसको अटेम्प्ट कर दें, तो क्या मतलब उसमें कोई वर्थ होती है मतलब उसकी, या कुछ मतलब पास वगैरह बंदा हो सकता है उसमें अगर इस तरह करें तो? अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए उसमें ये होगा कि फिर वो ना एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो आपके साथ आपको थोड़ा बहुत लीवे दे दे, आपको कुछ नंबर दे दे। अगर तो आप पेपर टू के अंदर, अच्छा यूजली होता ये है कि पेपर टू के अंदर मार्क्स लोगों के ज्यादा आते हैं, पेपर वन क्योंकि एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है उसमें, इसलिए उसमें मार्क्स वैलिडिटी भी लोगों के कम आते हैं, लेकिन ज्यादा आ सकते हैं अगर आपने ये चाहिए वाले कॉन्सेप्ट तैयार किए। पेपर टू में थ्योरीज लाजमी लिखनी है, आप एक कोई भी हेडिंग दे दें। मैं, मेरा ये मानना है कि आपने जो भी थ्योरीज नीचे पैराग्राफ में बतानी है आप उसको अपनी हेडिंग में बता दें कि आपने इस कॉन्टेक्स्ट में ये थ्योरी इस्तेमाल करें पैराग्राफ में, ताकि उसको नीचे पढ़ना ना पड़े। अगर वो ढूंढ के आपकी चीज निकालेगा तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि वो मिस कर दे और आपको शायद मार्क्स ना दे, लेकिन थ्योरीज के बगैर पेपर टू अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल में मार्क्स नहीं आएंगे और आते भी नहीं लोगों के। थ्योरीज जो ज्यादा कोट करता है, जितनी ज्यादा उसको एनालाइज करता है। अब देखें बड़ा इजी है पेपर टू अटेम्प्ट करना, कैसे? आप कोई भी 10 कंट्रीज लें, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, ब्राजील। अब देखें इन कंट्रीज के इंटरेस्ट क्या है ग्लोबल स्टेज के ऊपर, इनकी एस्पिरेशंस क्या है, ये क्या करना चाहते हैं इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, क्या करना चाहते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया चाहता है कि हम इंटरनेशनल स्टेज पे आके हम एक बिग पावर कंसिडर हो, उसके लिए वो अपने आप को लिंक भी नहीं कर रहा यूएस के साथ, वो यूएस की बातें एज सच नहीं मान रहा जैसे उनको माननी चाहिए। यूक्रेन के ऊपर उन्होंने बात नहीं मानी, उन्होंने रशिया से ऑयल भी खरीदा, गैस भी खरीदा, और वही ऑयल गैस डिस्पाइट सेंक्शन लेके उन्होंने यूरोप को जाके मतलब वहां से सस्ती ली है और इनको जाके महंगी बेची है। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को एज सच वो टो नहीं कर रहा यूनाइट जो इंडिया है। इंडिया चाहता है कि हमें एक रीजनल पावर कंसिडर किया जाए, हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट दी जाए, ठीक हो गया, हम एक ग्लोबल जो है इकोनॉमिक पावर हाउस बन गए, ये उनकी एस्पिरेशन है। अब इसी तरह देख लें चाइना, इस वक्त अमेरिका की एस्पिरेशन, अमेरिका कहता है कि हमने चाइना को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक, उन्होंने अपना थिएटर चेंज कर लिया, उन्होंने अटलांटिक से अपना इंडो पैसिफिक की साइड पे आ गया। उनकी एस्पिरेशन क्या है, वो अपनी फॉरन पॉलिसी चलाते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक हो गया, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अपनी फॉरन पॉलिसी के अंदर, लेकिन उससे वो डेरिवेट भी करते हैं। वो ऑब्वियसली हांस मॉर्जन था जो पॉइंट है उसमें ये उसने कहा है कि कुछ कंट्रीज शो ऐसे करते हैं कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में मॉरल प्रिंसिपल्स का सहारा ले रहे हैं, लेकिन असल में उनके बैकग्राउंड पे रियलिज्म होती है, वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में ही देख रहे होते हैं, वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करते होते हैं। अब जब चाइना के ऊपर तनकीद करता है यूनाइटेड स्टेट्स उइगार के अंदर, रीजन के अंदर, तो वो बेसिकली ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि चाइना का इस वक्त अपना मेन कंटेंडर और एक एडवर्सरी समझता है, इस वजह से उसका रियलिस्ट सेल्फ इंटरेस्ट तो यही है कि वो चाइना के ऊपर तनकीद करे, उसके ऊपर वो ऐसे एवेन्यूज ढूंढे जहां से चाइना को प्रेस किया जा सके, जहां पे उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए जा सके, जहां पे उसका ग्लोबल इमेज को टार्निश किया जा सके, ठीक है। तो अब जब 10 ऐसे बड़े कंट्रीज की ये निकाल लेंगे कि इनके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इनकी ग्लोबल एस्पिरेशंस क्या हैं और इनकी डोमेस्टिक वीकनेसेस क्या क्या हैं, उसके बाद आपको यकीन करें पेपर टू पीस ऑफ केक हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर टू करना कोई मुश्किल नहीं है, और आप उसको हर थीरी के अंदर एनालाइज कर लेंगे, आप देख लेंगे कि ये कंट्री जो है ये कौन से पर्सपेक्टिव को लेके फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, क्या ये रियलिज्म के बेस पे है, क्या ये लिबरलिज्म के बेस पे है, क्या ये किसी और टाइप स्ट्रक्चरल, अगर रियलिज्म में देखना है जैसे मैंने बताया स्ट्रक्चरल रियलिज्म के अंदर डिफेंसिव रियलिज्म भी ऑफेंसिव भी है, मेरे ख्याल में चाइना डिफेंसिव रियलिज्म के बेस पे एक्ट कर रहा है अपने ग्लोबल एंबिशंस के अंदर, और जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो एज ए सिंगल हेजमॉन के तौर पर कह रहा है कि मैं क्योंकि दुनिया के अंदर मेन कंटेंडर एक पावर है, तो वो अपने आप को उसी लैन से ही देखता है। जब आप ये देखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंटरनेशनल रिलेशंस को डिसाइड करना। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। किसी और ने क्वेश्चन, कोई और?
ये माइक ऑन है आपको नहीं ना लिया आपने क्वेश्चन पूछना है कोई पूछ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट जो मेरा पर्सनल व्यू है कि वो काफी इजी सब्जेक्ट है इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर अच्छी तरह से तैयारी की जाए और आप फोकस्ड रहें कि आपने कौन सी चीज करनी है आप ये लोग ग्लोबलाइजेशन के पीछे पड़ जाते हैं देखिए जब आप इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई मिल जाएंगी तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो पेपर वन का सिलेबस है सीएसएस का जो पेपर वन का सिलेबस है वो सिलेबस आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है वही सिलेबस वही कॉन्सेप्ट फिर आपने एज इट इज उठा के पेपर टू में यूज करने और फिर आपको मार्क्स मिलेंगे अब खाली लोग समटाइम्स क्या करते हैं कि सिर्फ पेपर टू में थियरीज यूज करते हैं उससे भी नंबर आ जाते हैं लेकिन जब आप और कॉन्सेप्ट भी यूज करेंगे बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे पावर के कॉन्सेप्ट को करेंगे सॉवरेनिटी नेशनलिज्म टेररिज्म नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर क्या वो जो कॉन्सेप्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जब आप उनको यूज करेंगे टेक्निकल टर्म्स के अंदर थोड़ा सा रिलेटिव जार्गन जो आप कोई भी एक पेज पे ना इसका रिलेटिव जार्गन लिख लें जो नेशनलिज्म फासिज्म बैलेंस ऑफ पावर कलेक्टिव सिक्योरिटी डायलेमा इंटरडिपेंडेंस रियलिज्म ये पेज के ऊपर लिख के आप किसी भी कमरे के अंदर विजिबल जगह पे लगा दें जो आपको डेली आप उसको देखते रहे आप उससे अवेयर हो जाएंगे फिर वही कॉन्सेप्ट आपने पेपर टू में यूज करने हैं ये टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है और आप देखेंगे आपको इंशाल्लाह ज्यादा मार्क्स आएंगे और कोई क्वेश्चन किसी का और करना हो किसी ने अगर क्वेश्चन है तो ठीक है नहीं तो हम फिर ये मीटिंग इस सेशन को फिर एंड करते हैं ये है किसी ने क्वेश्चन पूछना है कोई चलिए ठीक है फिर होपफुली अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आपके पास नंबर है मेरा तो आप लोग उस रजिस्टर नंबर पे कर सकते हैं कोर्स इंशाल्लाह कोशिश होगी कि 27 फरवरी से स्टार्ट कर दें और जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनके साथ मिलके फिर टाइमिंग और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी और जो भी लेक्चर होगा वो कोशिश होगी कि वीक डेज के अंदर मैं जो लेक्चर दूंगा मंडे टू थर्सडे या मंडे टू वेडनेसडे और जितना भी हमें टाइम लगेगा हम थॉरली सारे के सारे सिलेबस को करेंगे इंशाल्लाह और फिर उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में आ रही हैं और जो शायद सिलेबस से हट के भी कुछ चीज़ें आ रही हैं तो वो भी हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे और जो भी रेलिवेंट चीज़ होगी इंशाल्लाह मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर करता रहूँगा और आपकी भी एक वो बार बार देखने से पढ़ने से डेवलप होती रहेगी बाकी एक मैं मशवरा सब लोगों को दूंगा कि आप सब लोग अपना ट्विटर प्रोफाइल बनाएं और ट्विटर के ऊपर कुछ इम्पॉर्टेंट जो जर्नल्स हैं मैगजीन्स हैं न्यूज की वेबसाइट्स हैं उनको लाजमी सब्सक्राइब करें वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो आप पैसिव लर्निंग कर रहे होते हैं जब आप उनको देख रहे होते हो जैसे PRD वर्ल्ड की है उसके अंदर डिप्लोमैट है फॉरन अफेयर है फॉरन अफेयर कुछ टेक्निकल चीजें भी ज्यादा लंबे भी लिख देते हैं आप फॉरन पॉलिसी को कर सकते हैं वो पेड भी होते हैं समटाइम्स कुछ उनके वैसे भी मिल जाते हैं आप न्यूज वीक को कर लें तो आप जब उसको किसी टाइम बैठ के थोड़ा ट्विटर खोलें और आप जिन लोगों को फॉलो किया हुआ इन वेबसाइट्स को तो आपको पैसिव लर्निंग होगी आपको अभी आपको लग रहा होगा कि शायद आपको ये चीजें नहीं पता याद नहीं है भूल जाएंगे ऐसे फील होगा कि चले दो दिन बाद भूल गई आपको लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप पैसिव लर्निंग हो रही होगी और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको आइडिया होगा कि यार ये चीजें मुझे याद है ये बड़ा मेडिकल का बेसिक चीज है आप चीजों को रजिस्टर कर रहे होते हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं होता पैसिव लर्निंग की फेज में आते हैं तो बाद में जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप फोकस्ड हो जाते हो तो एग्जाम में सिर्फ आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं MCQs के ऊपर आप लोगों ने स्पेशल मेरा ख्याल है तवज्जो देनी है क्योंकि MCQs आपके मार्क्स में बहुत ज्यादा डेंट डालते हैं
जो लोग एमसीक्यू पे फोकस नहीं करते इजी आ जाए वो तो लग जाए ऑब्वियसली उसमें आप स्कोर कर देंगे। अगर एलक्यू में मुश्किल आ जाए तो आप लाजमी कोई पास्ट जो बुक बैंक है कोई भी जो एमसीक्यू के बैंक है वो लाजमी करें, कोशिश करें कि आखिरी महीने दो के अंदर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो एमसीक्यूज है उनको अच्छी तरह से दो दफा गो थ्रू करें। यकीन करें आप, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एमसीक्यूज आपको ओवरऑल पूरे सीएचएस के अंदर 50-60 मार्क्स का एक्स्ट्रा मार्जिन दे जाते हैं अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स के थोड़े थोड़े एमसीक्यूज किए होते हैं जो आप करके तो फिर एग्जाम में बैठते हैं। कुछ न्यू भी क्वेश्चन आएंगे लेकिन मोस्टली ये हर पेपर के अंदर 2-4-5 क्वेश्चन जो एमसीक्यूज होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपके ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो पंजाब के लोग खासतौर पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो उसमें मार्क्स लेने होते हैं तो एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा एज दे जाते हैं ओवरऑल उसके अंदर। पेपर अगर आपका अच्छा अटेम्प्ट नहीं भी हुआ फेल से होने से भी एमसीक्यूज आपको बचा देते हैं। इस दफा यूएस हिस्ट्री का पेपर बहुत बुरी तरह हिट हुआ है, जिन लोगों के एमसीक्यूज ज्यादा अच्छे में होंगे वो रिलेटिवली वो एज जो पासिंग का एज है वो 33 मार्क्स से क्रॉस कर देंगे और जिनके नहीं होंगे फिर वो लोग जो है वो दरमियान में उधर फंस जाएंगे। इसलिए एमसीक्यूज पे स्पेशल तवज्जो सबकी होनी चाहिए, एमसीक्यूज लाजमी करने हैं और बुक्स जहाँ से मिले आपको और एमसीक्यूज पैसिव लर्निंग से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ करंट अफेयर के अंदर पाकिस्तान अफेयर के अंदर ऐसे एमसीक्यूज आए हैं जो आप रूटीन में अखबार पढ़ रहे होते हैं, आप कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं, आप ट्विटर के ऊपर फीड चेक कर रहे होते हैं जो डिफरेंट मैगजीन्स की हैं, डिफरेंट जो उन्होंने अपने चैनल्स बनाए हुए हैं जहाँ पे वो ब्रेकिंग न्यूज शेयर कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा आपको ये पैसिव लर्निंग जो काफी एमसीक्यूज मेरे बहुत ज्यादा ऐसे एमसीक्यूज ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पहले एक अटेम्प्ट दिया है उसके अंदर तो मैंने ये फील किया कि जो मेरी ज्यादातर एमसीक्यूज ठीक हुए वो पैसिव लर्निंग की वजह से। तो ये लाजमी आदत बनाए अपनी, आप लाजमी ट्विटर पे जाके और ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स है वहां पे आपको सही फील्ड में मिल जाती है तो आप वो लाजमी जी। क्वेश्चन है किसी का तो जल्दी जल्दी पूछ ले अदरवाइज फिर हम इनको एंड करते हैं। जी फिर ठीक है, किसी पे क्वेश्चन नहीं है तो फिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और होप टू सी यू इन माय क्लास। अगर आप समझते हैं कि आपको करना चाहिए तो लाजमी आपके पास नंबर है मेरा और लाजमी ज्वाइन करें, इंशाल्लाह ताला वी वुड हैव अ गुड टाइम और आपको बिल्कुल फ्री अच्छी एडवाइस मिलेगी इंशाल्लाह, अच्छी सजेशन अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी और इंशाल्लाह थ्रू आउट द ईयर ये नहीं होगा कि हमारा रिश्ता कोई ये दो महीने का होगा या 8-10 weeks का होगा तो इंशाल्लाह ताला जो इट्स स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता थोड़ा सा लंबा होता है, हम भी अपनी ऐसे ही टीचर्स को याद करते रहते हैं उनकी दुआओं की वजह से हम तक पहुँच गए हैं। तो खैर थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग अस एंड अल्लाह हाफिज़।